नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। पश्चिम बंगाल में सप्ताह में 2 दिन लगेगा लॉकडाउन, इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। जी हां, इस बीमारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार और शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इस बीमारी के सामुदायिक प्रसार के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 42,487 इस बीमारी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,112 लोगों की जान चली गई है। 24,883 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं 16,492 मरीजों का इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, इन शख्सियतों को भेजा जाएगा न्योता। जी हां, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं और संतों को बुलाया जाएगा। आमंत्रण की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस बीमारी की वजह से 150 से 200 लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, कल्याण सिंह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई शख्सियतों को औपचारिक तौर पर आमंत्रण भेजा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर 5 अगस्त शुभ मुहूर्त है। इसमें अगर भूमि पूजन किया जाए तो सर्वार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। यही देखकर इस तिथि की ट्रस्ट ने मांग की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि 40 किलो की चांदी की ईंट रखकर प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। उपभोक्ताओं को मोदी सरकार ने बनाया और ज्यादा सशक्त, इस कानून को किया गया लागू। जी हां, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देश भर में लागू हो गया है। इस कानून में मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार देकर उन्हें सशक्त बना दिया है। करीब 34 साल बाद नई शक्ल में आया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ऑनलाइन व टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है। अब उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करना किसी भी विनिर्माता व सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि नए कानून में उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके वे धोखाधड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। मसलन किसी उत्पाद के संबंध में गलत व भ्रामक विज्ञापन देने पर जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने व हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने पर भी जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार अब कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता अदालत में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। वहीं उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा पक्षों के बीच आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने और मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का भी प्रावधान है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में इस बीमारी के मरीजों को मिलेगी होम क्वारंटाइन की सुविधा। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे इस बीमारी के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। होम आइसोलेशन को लेकर उठ रही मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में इस बीमारी के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे यह बीमारी और बढ़ सकता है। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोगी और उनके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास इस बीमारी के हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में बेड्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। जेपी नड्डा का गांधी परिवार पर बड़ा हमला, बोले एक वंश पीएम मोदी को बर्बाद करने में लगा है।
जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह तथ्यों में कमजोर और कीचड़ उछालने में मजबूत बयान देकर विदेश नीति के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वंश वर्षों से प्रधानमंत्री को बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है। नड्डा की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध की पृष्ठभूमि में दावा किया कि यह सीमा विवाद से जुड़ा एक साधारण मामला भर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की 56 इंच वाली छवि पर हमले की चीन की साजिश है। भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि चाहे वह डोकलाम का मामला हो या फिर अभी का, हाल ही के वर्षों में राहुल जी भारतीय सशस्त्र बलों पर विश्वास रखने के बजाय चीन की ओर से दी गई जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्यों एक परिवार भारत को कमजोर और चीन को मजबूत देखना चाहता है? कांग्रेस में भी कई नेता एक वंश के इस छल को नापसंद करते हैं। अशोक गहलोत के नकारा निकम्मा वाले बयान पर बोले सचिन पायलट, कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, राजस्थान की सियासत किस करवट बदलेगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे के खिलाफ हर मंच पर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं अशोक गहलोत के नकारा निकम्मा वाले बयान पर सचिन पायलट का जवाब आया है। सचिन पायलट ने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आरोपों से दुखी हूँ लेकिन हैरान नहीं, आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। पायलट ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी छवि पर इस तरह के और भी संगीन आरोप लगाए जाएंगे लेकिन मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगा। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी आरोपों को निराधार बताया। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को जमानत मिलना संस्था की विफलता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए गठित समिति में शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर विचार किया जाए। साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी की कि गैंगस्टर विकास दुबे जैसे व्यक्ति के खिलाफ अनेक मामले दर्ज होने के बावजूद उसे जमानत मिलना संस्था की विफलता है। जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में गई जान और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के नरसंहार से संबंधित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करने के दौरान ये टिप्पणियां कहीं। पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था उसे जमानत मिल जाना संस्था की विफलता है। हम इस तथ्य से स्तब्ध हैं कि अनेक मामले दर्ज होने के बावजूद विकास दुबे जैसे व्यक्ति को जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली मॉडल की दुनिया भर में चर्चा, होम आइसोलेशन में करीब 1 लाख लोग ठीक हुए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ संजय सिंह ने कहा कि आज इस बीमारी से लड़ने में केजरीवाल सरकार को जो सफलता मिली है उसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन की मदद से लगभग 1 लाख लोग ठीक हुए हैं जिनमें से 80% को घरों में ही इलाज मिला। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के होम आइसोलेशन मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भी अपना रही है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस उपलब्धि से दूसरे राज्य भी सीख ले रहे हैं। तो वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि इस बीमारी के समय में सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। बीजेपी के नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। एक परिवार में माता पिता के 6 पुत्र हैं, उन सभी 6 पुत्रों की एक एक बेटियां हैं, तो आप बताइए कि परिवार में कुल कितने लोग हैं।
आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देर सुने की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।